हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है गाइस, उसमें हम रेलवे में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसी को आगे और ज्यादा कैरी करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ जो कि रेलवे में आ चुके हैं एंड आपके ग्रुप डी एंड ग्रुप सी एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे और स्पेशली बायो के होंगे। तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशली हमें साइंस का आप कुछ दीजिए, हमें मिला हुआ नहीं है, स्पेशली अलग से हमें साइंस के चाहिए। तो आज मैंने जितने क्वेश्चन रखे हैं वो सिर्फ साइंस के ढूंढ ढूंढ के रखे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड हाँ, एक और न्यूज, जैसे कि आपने देखा है मेरी वीडियोज आती है एंड साथ में आती रहेंगी इकोनॉमिक्स की वीडियो, मैं जल्दी से दूसरी अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ नई वीडियोज मिलने वाली है, वो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो IIT JEE एस्पिरेंट जितने भी हैं, अगर आपके नॉलेज में है या कोई भी तैयार कर रहा है, आपका छोटा भाई या बहन, कोई भी जिसको आप जानते हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आदित्य सर इसमें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं मेरे भैया हैं, तो वो यहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे IIT JEE की। एंड सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आगे आपको और भी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आगे और भी हम लोग वीडियोस अपलोड किया करेंगे जिसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी क्लासेस लगेंगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ IIT JEE की मैथ्स की क्लासेस ही लगने वाली है। तो अभी तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें भी मैथ्स डीपली पढ़नी है, IIT JEE की तैयारी करनी है, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके नॉलेज में जितने भी ऐसे लोग हैं वो ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्द से जल्द वो वाली वीडियोस भी पढ़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए अपनी आज की ये वीडियो। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, DNA की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? तो DNA, देखिए जब मैं बायो पढ़ाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही बायो की क्लास भी हो, ताकि आप लोगों को जल्दी जानने को मिले। क्योंकि आप जानते हैं साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे की साइंस का अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके रेलवे में साइंस पूछी जा रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो रेलवे में साइंस का लेवल है वो काफ़ी अप रखा गया है। तो आप लोगों को साइंस बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ये मत सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी है, डी बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पे जो लेवल आएगा ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप हल्के में नहीं ले सकते इन क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं जल्दी से इन क्वेश्चन को, इसके साथ साथ आपको बायो की क्लास इकोनॉमिक्स के साथ साथ में लगाऊंगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया है, DNA की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो यहाँ पूछा गया कौन सा बॉन्ड होता है जिससे बंधी होती है। तो आप जानते हैं एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो DNA की श्रृंखलाएं होती है वो आपस में हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई होती है। तो यहाँ लिख दे रहे हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंध। और थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो साउंड की प्रॉब्लम आपको कुछ वीडियो बाद नहीं मिलेगी, थोड़ा सा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, साउंड की प्रॉब्लम आ गई है, मेरा एक इक्विपमेंट ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे कुछ वीडियोस में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो चलिए देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रिका का क्या कार्य होता है? तो ये भी आपका बायो से ही रिलेटेड है। केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम्स का निर्माण करती है केंद्रिका, यानी कि सेंट्रॉइड भी, हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं केंद्रिका को। तो केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण। ये जब मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी तो उसमें आप सारी चीजें डीपली समझ सकेंगे। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है, यानी आपका राइबोसोम का जो जर्नल डायमीटर है वो पूछा गया है कि कितना हो सकता है। तो 200 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम तक आपका राइबोसोम का सामान्य व्यास हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 200 to 300 एंगस्ट्रॉम। अवर्णी लवक कैसा होता है? तो आप ये नाम से ही पता चल रहा है, अवर्णी यानी कि वर्ण मीन्स होता है रंग, और अवर्णी यानी जिनमें कोई भी रंग ना हो, और लवक की इंग्लिश होती है प्लास्टिड्स, जो भी इंग्लिश से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बताती चल रही हूँ साथ में। अवर्णी लवक यानी कि जिनमें कोई भी रंग ना हो, ऐसा लवक पूछा गया, ऐसा प्लास्टिड। तो अवर्णी लवक कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, बस इसमें इतना ही पूछा गया था आपसे। देखिए प्लास्टिड्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये नीचे वाला,
ज़ैंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? आपने देखी होगी पीली गाजर आती है, जो पीली गाजर होती है उसमें जो प्लास्टिक यानी जो लवक की वजह से जिस लवक की वजह से उसका कलर येलो होता है वो होता है ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल की वजह से जो कलर है वो येलो कलर हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो जो पीली गाजर आती है यानी गर्मियों के मौसम में जो मिलने वाली गाजर है पीली गाजर, उसमें ये लवक पाया जाता है ज़ैंथोफिल वर्णक। इसके अलावा आप देखा होगा सर्दियों में जो गाजर आती है लाल गाजर होती है, उसका कलर लाल होता है कैरोटीन की वजह से, उसमें कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। तो ये जितने भी लवक हैं ये वर्णी लवक की श्रेणी में आते हैं। तो ये वर्णी लवक मतलब कलर इस पे होता है। तो ज़ैंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? मैंने बताया पीली गाजर होती है इसलिए पीले रंग का। देखिए पूछा गया है 80S राइबोसोम के कौन से दो भाग हैं? तो 80S राइबोसोम इसके दो भाग होते हैं, एक 60S राइबोसोम एक 40S। दो पार्ट्स पूछे गए हैं, 60S एंड 40S। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल ही है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ बायो से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन जब आप पूरी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ना तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं जितने भी चैप्टर हैं जिसमें कोशिका राइबोसोम आपके हरित लवक ये लवक इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट को तैयार कर लेना है अपने रेलवे वाले पोर्शन के लिए। एंड मैं इस पे आगे वीडियो भी बनाऊंगी बायो की। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स ही चलती रहेगी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं और भी चीजें चलाऊंगी, बायो चलाऊंगी खासकर, क्योंकि अब मुझे साइंस भी लाना है, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो ऐसी उनकी डिमांड जरूर पूरी होगी। तो आगे हम जल्दी से ही बायो की क्वेश्चन लाएंगे और उसकी पूरी पूरी बकायदा ब्रीफली तैयारी कर लाएंगे। तो चलिए देखिए प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? पूछा जा रहा है प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? तो ये भी पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में होता है? तो राइबोसोम में ही होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये राइबोसोम में ही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइबोसोम से रिलेटेड आए हैं, तो यानी आप इतना तो पकड़ के चल ही सकते हैं कि राइबोसोम कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेती हूँ जल्दी से। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन लिखा है ग्राना एंड स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ग्राना और स्ट्रोमा तो ये जो है आपकी हरित लवक में पाई जाती है। अभी मैंने बताया था प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स में हरित लवक जिनकी वजह से हरित लवक आप जानते हैं जिनकी वजह से पेड़ पौधे जितनी भी पत्तियां होती हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, जो भी ग्रीन चीजें हैं आपकी उनमें ये हरित लवक पाया जाता है। जानते हैं क्लोरोप्लास्ट आपने सुना हुआ है। तो इसके अलावा ये जो हरित लवक है ग्रीन चीजों में आपका ग्रीन कलर जो है हरित लवक की वजह से होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हरित लवक में। अब देखिए कौन सा पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन। एडेनिन ऐसा पदार्थ है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग, तो पहली बात तो ये है कि कोशिका ही सबसे छोटी का ये पहली चीज तो, लेकिन अब यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका में जो कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो लवक होते हैं, जो अभी मैंने आपको प्लास्टिड्स बताए वही। तो यहाँ पे हो जाएगा लवक या फिर प्लास्टिड्स। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, फिर से राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं रेलवे के साइंस के क्वेश्चंस का लेवल।
साइंस के क्वेश्चंस का लेवल आप समझ सकते हैं। अभी तो ये जितनी भी चीजें हैं मैं राइबोसोम लेवल इन्हीं सारी चीजों से उठाया है और इन्हीं सारी चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में पाए जाते हैं, यानी पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध का तो अभी हमने बताया था डीएनए में, लेकिन यहाँ पूछा गया है पेप्टाइड बंध जो की अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल के बीच में, अमीनो एसिड्स या फिर अमीनो अम्ल। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ये देखिए सुसाइड सेल या सुसाइड बैग पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आया है, सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लस्का या फिर लाइसोसोम बोला जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका सीएचएसएल और रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आपने शायद नहीं देखे होंगे या जिनका आंसर आप जिनसे परिचित नहीं होंगे, तो इस तरीके के यहाँ पे थोड़े ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं अभी आगे भी लाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का लेवल है। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से मैं बायो लाऊं, तो बायो में यूकैरियोटिक एंड जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सब के बारे में अच्छे से डीपली से मैं बताऊंगी, उनको समझाऊंगी बाय फिगर, कोशिश करूंगी अगर बाय फिगर समझा सकूं तो आपको। इसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका एनडीसी हो यानी सीएचएसएल हो या फिर रेलवे के एग्जाम्स हो, मैं जरूर उन क्वेश्चंस के बारे में या वो जितनी भी चीजें हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जरूर बात करेंगे। तो फिलहाल ये मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं जो रेलवे में आ चुके हैं या जो कि रेलवे में आ सकते हैं, तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं जिनके रिपीट होने के चांस है तो मैं लाती रहती हूँ, और क्वेश्चन रेलवे में आपका रिपीट हो सकता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये जो आपके एग्जाम जितने भी होते हैं सारे एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आता है। मैं ही नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड जरूर रहते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी ऐसी वीडियो बनाई है आप कोशिश करिए कि अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को जाके देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन मैंने वीडियोज़ में बताए वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो वो तो आप बिल्कुल करके आएंगे, एंड उसके अलावा अपनी तैयारी तो आप बिल्कुल मजबूत रखिए, क्योंकि अपनी तैयारी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप वहाँ जितना खुद से तैयार करके जा पाएंगे वही आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि लाती रहूँ वीडियोस और लाती ही रहूँगी आगे तक, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर ली है उसको मजबूत कर लीजिए, जितना भी कुछ तैयार किया उसको और स्ट्रांगली तैयार कर लीजिए, तो वही आपका वहाँ पे हेल्प कर पाएगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।